हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आशीष सर। तो जैसा कि गाइस आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार और वाक्य के भाग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? केवल दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की भी डिफिनेशन बताई गई थी और प्रेडिकेट की भी डिफिनेशन बताई गई थी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं एक सेंटेंस के भाग होते हैं, लेकिन सेंटेंस कितने प्रकार का होता है ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वी हैव गॉट द डेफिनेशन, वी हैव गॉट द एग्जांपल्स टू। सो नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द टेंस। व्हाट इज टेंस? टू हुम वी आर कॉलिंग टेंस? टेंस किसे कहते हैं? काल क्या होता है? काल क्या होता है? काल कितने प्रकार का होता है? तो दीज वर्ड्स आर गोइंग टू स्टक इन आवर ब्रेन्स, सो वी हैव टू माइंड अबाउट दैट। हमारे दिमाग पे चलता है ना क्वेश्चन कि काल कितने प्रकार के होते हैं, भाई काल होता क्या है? तो आज हम इन चीजों पे फोकस करेंगे कि काल कितने प्रकार का होता है और काल जो है किसे कहते हैं, काल कहते किसे हैं और काल कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली आप गेस करिए कि आपके वर्क का कितना तरीका होता है। हमारे ख्याल से हम कोई भी काम करते हैं वो तीन भागों में बंटता है। एक तो जो हम कर रहे होते हैं वो रनिंग पीरियड होता है। जो रन कर रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट बोल देते हैं। लेकिन काम जो कर चुके हैं आप, समाप्त हो गया है अगर उसकी बातें की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट हो गया। और जो आने वाला है हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सपोज आपका एग्जाम आपके सामने है तो आप अपनी तैयारी किस बेस पे कर रहे हैं? एग्जाम के बेस पे कर रहे हैं। तो एग्जाम तो अभी आगे है ना, जो आगे है हम उसको क्या कह लेते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो अब आपको क्लियर करते हैं हम कि आपके टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन टेंस पे फोकस करने से पहले हम टेंस की डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, काल किसे कहते हैं, काल होता क्या है। तो आप देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग्स। कह रहे हैं कि किसी कार्य के समय, क्रिया और स्थिति का वर्णन जिसके द्वारा किया जाए, किसी कार्य के क्रिया समय स्थिति का जो वर्णन किया जाता है हम उसी को क्या कह लेते हैं? काल कहते हैं। तो नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट काल। आप अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लंबा लग रहा हो, तो मैंने एक दूसरा भी एग्जांपल, एक दूसरा भी डिफिनेशन लिख रखा है। क्या? इट इज द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब। मतलब काल क्या होता है? क्रिया के करने का समय जो निर्धारित करता है वही काल कहलाता है। मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं तो अभी काम करने का तरीका क्या है? वर्तमान में हो रहा है। तो जो वर्तमान हो गया तो वो क्या कहलाता है? आपका काल ही कहलाता है ना। अभी हम काम कर रहे हैं तो ये काम हमारा जारी अवस्था में है तो ये क्या हो गया? आपका प्रेजेंट हो गया। तो इसीलिए क्या दिया गया है? इट इज द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ अ वर्ब। ये क्या करता है? क्रिया के कार्य का जो वर्णन होता है, प्रभाव होता है, उसका वर्णन जो दिखाता है वही हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समय के चक्र को हम काल कहते हैं। ठीक है, समय के चक्र को जैसा जैसा समय बीतते जाता है परिवर्तन उसी तरीके से होता जाता है। लेकिन इन एग्जैक्ट वर्ड, इन इंग्लिश वर्ड वी कैन गेट द फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट डिफिनेशन। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम एक्शन और स्टेट ऑफ बींग। किसी कार्य के होने के समय, घटना और स्थिति का वर्णन जो करता है वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब काल के ऑप्शन में मैंने उसे शॉर्ट किया है, छोटा किया है। इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, इट इज द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ अ वर्ब। यह क्या होता है? क्रिया के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समय होता है। समय को ही हम क्या कह लेते हैं? काल कह लेते हैं। क्रिया के कार्य का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब आता है ऑप्शन ये कि काल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अपना टेंस पढ़ा था ना, टेंस में कितने प्रकार थे? पांच प्रकार के हो गए थे। उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन बनता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गाइस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। विच वन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है वर्तमान में जो है उसी को हम प्रेजेंट कहते हैं।
तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हो जाता है वर्तमान काल। आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब हो जाता है भविष्यकाल। ठीक है, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा क्या हो जाता है? भविष्यकाल। अब गेस कीजिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। भाई वर्तमान हमने बताया कि काल तीन प्रकार के होते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताते हैं तीन प्रकार के। सपोज कीजिए कि किसी ने उसी तीन में से किसी एक की डिफिनेशन पूछ ली कि भैया टेंस तो आपके तीन होते हैं, तो आप जरा हमें बताइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्ब दैट रिफर टू द प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। वर्ब दैट रिफर टू द प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वह क्रिया जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, व्यक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वह क्रिया जो वर्तमान स्थिति को, वर्तमान समय को व्यक्त करती है, वो क्या कहलाती है? वर्तमान काल कहलाती है। अब आते हैं हम लोग किस पर? पास्ट टेंस पर। लेकिन पास्ट टेंस से आप इसको पहले समझ सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ही इज लर्निंग हिज लेसन। ही इज लर्निंग हिज लेसन। He is learning his lesson. Now just try to analyze. इसका अर्थ तो आपके समझ में आ ही रहा होगा। He is learning his lesson. मतलब वो अपना पाठ याद कर रहा है, पाठ याद कर रहा है, पाठ सीख रहा है। अगर पाठ सीखने या याद करने की बात होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि he is learning his lesson. अगर ये आवाज़ प्रॉब्लम करे तो हम लोग प्रेजेंट पढ़ते थे, हमने क्या कहा कि he is learning his lesson. He is learning his lesson. इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वह अपना पाठ याद कर रहा है। अगर याद करने की बात की जाए तो याद कब कर रहा है? अभी आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब काम भी अभी अब हो रहा है, तत्काल चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। जब कोई कार्य रनिंग अवस्था में हो, चल रहा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। तो ही इज लर्निंग हिज लेसन, ये काम जारी अवस्था में है और किस समय हो रहा है? अभी के अभी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बचता है आपका नंबर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहा जाता है गाइस? पास्ट वैसे ही बता देता है। जस्ट ट्राई टू एनालाइज, इफ वी आर गेटिंग द पास्ट मीन्स इन हिंदी, देन ऑटोमेटिकली आवर सेंस वुड बी क्लियर। अगर हम सेंटेंस के भाव को, उसके अर्थ को गेस कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं उसका कि उसका मतलब क्या होता है, तो आधे से ज़्यादा हमारा डिफिनेशन वैसे ही क्लियर हो जाता है। क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ, यानी जिसे हम भूत कहते हैं। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। तो इंक्लूडिंग पास्ट प्लस टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस बराबर भूतकाल। तो भूतकाल की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब रिफर टू द पास्ट टाइम। जब क्रिया बीते हुए समय के बारे में कुछ वर्णन करता है तो वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जब क्रिया बीते हुए समय का वर्णन करता है, बीते हुए समय पर प्रकाश डालता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए She went to her school. She went to her school. वह अपने स्कूल गई, मतलब काम खत्म हो गया है, अभी नहीं जा रही है, जाने का काम हो गया है। तो जहाँ पर कार्य बीतने की अवस्था बताए, went क्या बता रहा है? गई। अगर यहीं पे गो हो जाता तो क्या होता है? जाती है, तो वो प्रेजेंट में आ जाता था। जैसे ही यहाँ गो आता तो क्रिया आपका प्रेजेंट में वर्तमान को एक्सप्रेस करती, और जब वर्तमान को एक्सप्रेस करती तो हमारा कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट टेंस हो जाता। जबकि जैसे ही हमने यहाँ क्रिया को सेकेंड फॉर्म में लिया, वेंट में आया, तो वेंट का मतलब होता है गया। तो गया जब है तो जाने वाली प्रक्रिया क्या है? फीमेल है, इसलिए सी वेंट टू हर स्कूल, वह अपने स्कूल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हो गया। अब आते हैं हम किस पर? फ्यूचर पर। फ्यूचर किसे कहते हैं भैया? कहते हैं हमें अपना फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाना है, बना नहीं है। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अनुमान लगाते हैं कि अभी आने वाले समय की बात हो रही है। जब हम अपने आने वाले समय की बात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन क्या होती है? द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब रिफर टू द
फ्यूचर टाइम जब क्रिया भविष्य के बारे में वर्णन करती है, जब क्रिया भविष्य के बारे में वर्णन करती है, भविष्य पर प्रकाश डालती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि इतना इजी स्टेप है, इतना इजी स्टेप है गाइस। केवल एक बार कंसंट्रेट करो, एक बार ध्यान से देखो और एक बार उसे रिपीट कर लोगे तो दैट्स अ चैलेंज। इफ यू आर गोइंग टू बी कंट्रोल ऑन योर ओवर बीप्स देन डेफिनेटली यू विल डू अ गुड जॉब एंड यू कैन लर्न योर ऑल द वेज ऑफ टेंस। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से हम माइंड करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जब क्रिया चलने वाले या वर्तमान समय पर प्रकाश डालती है तो उस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, भूतकाल। यानी कि जब क्रिया बीती हुए समय के घटनाओं का वर्णन करती है तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फिर आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्यकाल। जब क्रिया आने वाले समय का वर्णन करती है या आने वाले समय पर प्रकाश डालती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। और आपके सामने तीनों की इंग्लिश डिफिनेशन है, वर्ब दैट रिफर टू अ प्रेजेंट टाइम और कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वह क्रिया जो वर्तमान की घटनाओं पर प्रकाश डाले वर्तमान टेंस कहलाती है, वर्तमान काल कहलाती है। फिर क्या है, पास्ट टेंस। द टेंस इज यूज्ड व्हेन वर्ब रिफर टू द पास्ट टाइम। जब क्रिया बीते हुए समय के ऊपर प्रकाश डालती है, बीती हुई समय की घटनाओं पर प्रकाश डालती है तो वो क्या कहलाती है, पास्ट टेंस कहलाती है। उसके बाद बारी आती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, जब क्रिया आने वाले समय के बारे में वर्णन करती है, जो समय अभी शुरू नहीं हुआ है, हम कल्पना में चल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उस चीज़ का जब वर्णन करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल, मैंने तीनों के लिए आपके पास दो के ऑप्शन दे दिए हैं। तीसरे का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आई विल बी IAS, आई विल बी IAS, मैं क्या बनूंगा, IAS गाइज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भैया मैं क्या बनने वाला हूँ, DM बनने वाला हूँ। तो जो बनूंगा, फ्यूचर की बात हो जा रही है। जब हम फ्यूचर की कल्पना करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहीं पे हम किसको यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। तो टाइम ऑलवेज रनिंग टूगेदर बट वी हैव टू यूज इन अ प्रॉपर वेज बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन गाइज एंड यू हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि टाइम कम काम ज़्यादा है, इसलिए मेहनत आपका आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। विवेकानंद जी ने कहा है कि फॉर गेटिंग सक्सेस देर आर 3 steps इंक्लूडिंग इन अवर लाइफ। फर्स्ट, वेन वी विल स्टार्ट द पीपल विल मेक अ फन ऑफ अस एंड वेन We are not going to stop after making a fun, then they are going to stand against of us and after that even we are just going to avoid them, they will follower of us. तो विवेकानंद जी ने कहा है कामयाबी के लिए हमारे जीवन में तीन चरण आते हैं। पहला, जब हम सबसे हट के कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं, ताकि हमारी भावनाएं छूड़ो, हम कमज़ोर पड़े, हम उससे दूर हटने की कोशिश करें। लेकिन यू नीड नॉट टू गो अहेड, आपको उससे दूर नहीं जाना है, उससे भागना नहीं है। यू हैव टू स्टक ऑन योर रिसोल्यूशन, अपने विचार पर आपको खड़े रह जाना है, आपके टिकान रखने हैं कि मुझे अपना काम करना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छे परिणाम लाने हैं। तो वहाँ पर अगर आप उनके मजाक को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके खिलाफ खड़ा होना शुरू करते हैं। आप जरा सा उनसे स्टैंड लैंग्वेज में बात करना शुरू कीजिए, इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू कीजिए तो वो बोलेंगे मुझसे बात करना तो ठीक से किया करो, नहीं तो मत करना। ठीक है, ऐसे तमाम समस्याएं आपके सामने क्रिएट करेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर भागो। लेकिन गाइस, माइंड दैट ऑलवेज आपको अपने टारगेट की तरफ ही जाना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। और जब इन दोनों चरणों पे लोग असफल हो जाते हैं तो तीसरा होता है कि देखते हैं कि आप तो विकास कर रहे हो, आप उनसे आगे निकल रहे हो, आप उनसे तेज हो रहे हो, तब क्या करते हैं, वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं, यार कैसे हो रहा है, मुझे भी ले चलो, मुझे भी करना है। तो माइंड कीजिए, एग्ज़ाम आपके पास में है, ध्यान रहे आपके एग्ज़ाम का। बाकी चीज़ों के लिए हम आपके साथ, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है और फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि जस्ट रीड योर क्लासेस एंड कमेंट ऑन दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग अस
एंड इफ यू हैव एनी कंप्लेन और डाउट्स जस्ट सेंड द मैसेज इन कमेंट बॉक्स वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर एम्बिशन इन योर एग्जामिनेशन सो कंटिन्यू गाइज कीप ऑन वॉचिंग टॉप 10 क्लासेस along with Ashish sir and since then to meet you again in next classes since then goodbye and good evening to